अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आलिया सिलाई कटिंग। आज हम देखेंगे बिना बॉडी अम्ब्रेला फ्रॉक, यानी कि वन पीस अम्ब्रेला फ्रॉक लेंथ 46 का बनाना है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? 3 मीटर का होगा, 3.5 मीटर का है हमारा फैब्रिक है, 3.5 मीटर का हमारा फैब्रिक है। और इसको हमने इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया है। देखिए खुली साइड 3.5 मीटर हमारा फैब्रिक है और ये दोनों साइड ओपन है। दोनों ओपन साइड से हमने इसे फोल्ड करना है समोसे टाइप में, ट्रायंगल टाइप में, इस तरह। ये देखिए हमने फोर फोल्ड पर समोसे टाइप में, ट्रायंगल टाइप में हमने इसे जमा लिया है। ये देखिए ये हमारी ये चारों भी पार्ट हमारी इधर की साइड ओपन है और इधर की साइड पैक है। और ये वाली वरेब हमने बीच की स्ट्रेट रखनी है और ये हमारा जितना फैब्रिक है हमने उतनी हमने फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से हमारी लेंथ के लिए हमने कम पड़ेगा, इसलिए ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये कपड़े के ये लाइन हमारी यहाँ तक ही है हमारे फैब्रिक की लेंथ, तो ये फैब्रिक की लेंथ के ऊपर हमने इस तरह से इसे सेट करते हुए बाकी का फैब्रिक भी हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की हमने शोल्डर रखनी है 6.5 इंच और चेस्ट रखनी है 42, फर्स्ट पार्ट पे आएगा 10.5 और वेस्ट हमारी कमर होगी 38, फोर्थ पार्ट पर आएगा 9.5 इंच, आर्म होल हमारा होगा मुंडा होगा हमारा 8.5 का और लेंथ हमारी होगी 46 की। एक हमारा 5 इंच का होगा और बैक ने 4 इंच का। तो अब हमने इसके ऊपर मार्क करना है। चलिए अब हम इस फ्रॉक की कटिंग करते हैं। हमने सबसे पहले ये जो हमारा वरेब है और ये वरेब की जो लाइन है इसको हमने स्ट्रेट समझना है। ये हमारी बीच की लेंथ होगी। हमने शोल्डर रखनी है 6.5 इंच की, तो यहाँ पर हमारा जितना हमारा फिट हो रहा है यहाँ तक एंड, यहाँ पे हमारा फैब्रिक खत्म हो जा रहा है तो वहाँ पे 6.5 आ रहा है हमारा, तो ये यहाँ पे हमने मार्क लगा देंगे 6.5 की शोल्डर और हमारा नेक आएगा 2.5 इंच का। हमने फैब्रिक का गला रखना है गले की चौड़ाई और गले की फ्रंट नेक की लंबाई हमने रखनी है 5 इंच और बैक नेक की 4 इंच, बैक नेक की 4 इंच। और ये इसके ऊपर ज्यादातर हमने गोल गला ही हमने डालना होगा, बनाना होगा, क्योंकि ये वरेब रहता है इसमें हमने कैनवस पर भी हमने नेक बनाया तो भी हमारा अच्छे से नहीं बैठेगा। और इसमें शोल्डर रखनी है 4 इंच की, ये देखिए 4 इंच के ऊपर हमने मार्क किया है। ये हमारा पूरा शोल्डर आ रही है 6.5 की, तो हमारा आर्म होल का बॉक्स भी हमने 6.5 ही रखना है और ये बॉक्स की चौड़ाई भी इस तरह से हमने निकालना है, इस तरह से निकालना है, एकदम स्ट्रेट रखना है इसे भी ये लाइन की तरह। यहाँ पर 6.5 के ऊपर हमें मार्क कर देना है। इस 6.5 का हमारा आर्म होल की फिटिंग आएगी इसके ऊपर, ये हमारा बॉक्स। अब हमने चेस्ट 42 है तो फोर्थ पार्ट पर हमारा 10.5 होगा, यहाँ पर हमने चेस्ट का मार्क लगा देना है 10.5 के ऊपर, एक इंच माया अलग से होगा। और हमारा आर्म होल है 8.5 का, 8.5 के आर्म होल हमने इसके ऊपर बिठा देनी है, मतलब मैं
हमेशा किसी स्केल की किसी की फ्रेम की सहारा नहीं लेती हूँ, सिर्फ ये टेप से ही मैं इसे मेजर करती हूँ आर होल को भी। तो 8.5 हमने एग्जैक्ट रखना है, माया वो सब हम गिनते वक्त इसको एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, इसका मार्जिन भी 8.5 का हमने इसके ऊपर सेट करना है इस तरह से। ये देखिए 8.5 के ऊपर मैंने मार्क लगाया और ये हमारा आर होल की गोलाई हमने शेप दे देना है, हो गया। अब फ्रंट आर्म होल की फिश कट के लिए यहाँ से ये सेंटर ये हमारे बॉक्स के कॉर्नर से हमने 1 इंच अंदर से दबाना है या 1/2 इंच, जिसको जितना लगता है उतना। और ये अपर बस्ट की तरफ ये जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स के हाफ में से हमने 1/2 इंच अंदर से मार्क करना है। और फिर ये मार्क को मिलाते हुए हमने सामने की आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। ये इससे फिटिंग भी अच्छी बैठेगी और हमारा फ्रॉक भी फिटिंग में अच्छे बैठेगा ये सामने से। और ये हमारी आर्म होल ये 8.5 का था बैक वाला, और सामने का मिलाकर अब ये हमारी ज्यादा जी कट जाएगा ना, तो ये 9 का हो जाएगा और वो हमारे को आर्म होल में कंफर्टेबल बैठ जाएगा। और हमने यहाँ से 14 इंच के ऊपर कमर का निशान लगाना है, 14 इंच पे कमर वेस्ट हमारी आएगी, वेस्ट वेस्ट हमने वेस्ट हमारी है 38, तो फोर्थ पार्ट पे 9.5 रखना है, 9.5 की फिटिंग आएगी और 1.5 इंच हमारा मार्जिन अलग से। अब ये सिर्फ अब हमने लेंथ लेना है, लेंथ हमने कितनी रखनी है, 46 हमारी लेंथ होगी, 46 हमारी कहाँ आ रही, यहाँ पर 46 यहाँ पर आ रही है और अब यहाँ पर हमने 46 डाल दिए मैं टेप से मेजर करके। फिर हमने टेप को ये नोक के ऊपर रखना है, हमारे फैब्रिक की नोक के ऊपर जहाँ हमारा फैब्रिक ख़त्म हो रहा है वहाँ पर रख के फिर से हमने गिनना है कितना आ रहा है, जहाँ हमने मार्क लगाया था 46 पर, फिर वहाँ पर क्या कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर 53 आ रहा है, 53 हमने ऐसा राउंड घुमाना है और मार्क लगाते जाना है। तो ये 53 इसी तरह से वहां तक हमने मार्क लगाना है, 53 और हमारा सेंटर वही है। और फिर बाद में हमारी यहाँ वेस्ट में हमने यहाँ पे टेप की फिटिंग पकड़ना है जहां तक आ रही है, फिर से इसको घुमाना है हमारे घेर के लिए। यहाँ से 53 पर जहाँ हमारा मार्क होगा वहां से हमने मार्क करना है और फिर इसके मार्जिन के अंदर हमने मिला देना है माय में। ये कली हमारी ऑटोमेटिक निकल गई, ये कली आएगी इसके ऊपर। ये हमारी कटिंग हो गई और ये यहाँ से फिटिंग, देखिए हमारा मेजरमेंट। तो अब हम इसे कट करते हैं, घेर हमने पहले कट कर देना है, साड़ी से हमने ऐसा ही एक फ्रॉक बनाया है
और वो उसको मैंने हमारे चैनल पे है उसे अस्तर के साथ बनाया है, साड़ी में अस्तर लगाकर हमने इसी टाइप में अखंड अम्ब्रेला में फ्रॉक बनाया है, आप वो भी देख लीजिए, उसका भी घेर फुल आ रहा है। बैक नेक काटेंगे हम, फ्रंट नेक नहीं काटेंगे हम, सीधे हाथ से कट करेंगे। इस फ्रॉक पर ये वरेब है इसलिए हमने ज्यादातर इसके ऊपर पाइपिंग ही बिठानी है, क्योंकि पाइपिंग हमारी ये वरेब की वजह से अच्छे से बैठेगी, हमारा नेक अच्छे से दिखेगा। और ये हमारा बैक साइड वाला हमने और कट कर रहे हैं, फ्रंट साइड वाला नेक के बराबर हमने कट करना है स्टिच करते समय। यहाँ पे कट आएगा हमारी चेस्ट की फिटिंग पर। अभी सामने का भी आपको मैं कट करके दिखा देती हूँ, ये पीछे का बैक वाला साइड हमने हटा देना है इस तरह अंदर की साइड में, और फ्रंट साइड का हमने नेक भी और ये भी आपको कट करके दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा आर्महोल की अपर बस्ट की तरफ की भी हमने ज्यादा फिटिंग रखी है, इसमें हमारा झोल नहीं आएगा। अब हमारी ये जो कलियां निकली हैं वो कलियों को हमने कट लगाना है, उल्टी सीधी नहीं होना बल्कि। देखिए होगा ये हमारी कली और ये नीचे वाला कपड़ा मिलाकर हमने सिर्फ कट लगा देंगे इस तरह से, ताकि ऊपर नीचे नहीं होना, वो कट की जगह पर हमारी स्टिच आएगी, कट मिलाते हुए स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने क्रॉस पट्टी काट लेनी है गले के लिए, नेक बनाने के लिए हमने क्रॉस पट्टी कट कर ली है और उसे इस तरह से स्टिच कर लेना है, और हमने डोरी पाइपिंग बना लेनी है। डोरी पाइपिंग हमारी बन चुकी है और हमारी ये पोटली बटन हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। फिर हमने इस फ्रॉक के कलियां अटैच करना है, तो दोनों साइड के लिए रॉन्ग साइड और राइट साइड जमा कर हमने जहाँ कट लगाया था उसके ऊपर कट के ऊपर कट सेट करते हुए सामने की कली और बैक की कली हमने अटैच कर लेनी है, स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारे कट के ऊपर कट आएगा कली के, तो हमारी उल्टी सीधी कली नहीं बैठेगी। इसके ऊपर से भी हमने धाग सिलाई प्रेस सिलाई लगा देनी है, इसी तरह दूसरी कली भी हमने स्टिच कर लेनी है। बैक साइड वाली कली भी हमने इसी तरह अटैच कर लेनी है। यह हमारा फ्रंट साइड वाला पार्ट है, तो इसके ऊपर हमने एक मार्क लगा देंगे, इसे साइड में रखेंगे। बैक साइड वाला
बैक साइड के घेर में भी हमने कली अटैच कर ली है। हमने बैक साइड का नेक स्टिच करेंगे। बारी बारी पट्टी हमने ले ली है। ये देखिए हमने बैक साइड वाला नेक पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड वाला नेक तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने डोरी पाइपिंग बना कर रखी है और पोटली बटन भी हमने तैयार करके रखे हैं। और हमने फ्रंट का सेंटर निकाल कर उसके ऊपर 5 या 6 इंच तक हमने कट कर लेना है सेंटर में से। इस तरह से हमने कट लगा देना है। और फिर ये पोटली बटन सेट करना है एक साइड पे, राइट साइड पे। इस तरह से हमने सेट करते हुए पोटली बटन हमारी कट की हुई लाइन के ऊपर सेट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कट करी हुई पट्टी के ऊपर जितने हमने पोटली बटन लगाने थे उतने हमने लगा दिए, और एक्स्ट्रा वाले हमने अलग कर देना है। और ये जो हमारा कपड़ा ब्लैक वाला कपड़ा पोटली बटन का है, उसे एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है। और फिर इसे राइट साइड में इस तरह सेट करते हुए दूसरा भी फैब्रिक लगा कर उसके ऊपर स्टिच कर लेनी है और पैक करना है हमें। और सामने की साइड से, फ्रंट साइड से, सीधे तरफ से एक साइड हमने बटन पलटा कर उसके ऊपर एक प्रेस सिलाई लगानी है, ताकि ये हमारी सिलाई खुल ना जाए और अच्छे से पैक रहे। और अब हमने इसके ऊपर कॉर्ड पाइपिंग, डोरी वाली पाइपिंग सेट करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। आई बटन में आपको मेरे वीडियो नेक के भी और वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी दूसरे नेक डिज़ाइन के वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारी ये डोरी पाइपिंग की पट्टी को हमने अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए राइट साइड में स्टिच कर लेना है, और अच्छे से इसकी फिनिशिंग आती है, इसलिए अब मैं डोरी पाइपिंग ही लगाती हूँ ज़्यादातर नेक में। और ये हमारी रेडीमेड का लुक भी देता है हमें डोरी पाइपिंग, इसलिए अब डोरी पाइपिंग ही हम इस्तेमाल करते हैं। और पहले हम सिंपल पट्टी वाली पाइपिंग करते थे, जिस तरह हम ब्लाउज़ों के ऊपर करते थे, वो थोड़ी सी इससे थोड़ी मोटी आती है, लेकिन उसके ऊपर भी प्रैक्टिस हो जाए तो वो भी इसी तरह नज़र आती है। लेकिन अभी ये डोरी पाइपिंग ही हमने बनाई है। अब हमने इसकी शोल्डर अटैच कर लेनी है, बैक नेक और फ्रंट नेक मिलाकर हमने स्टिच कर लेनी है। इस तरह डबल सिलाई भी कर लेंगे हम, ताकि हमारी
पैक हो जाए सिलाई। देखिए हमने हमारे स्लीव्स का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये पफी स्लीव्स है हमारे, पफ स्लीव्स, कफ स्लीव्स है, आप वहाँ से देख लीजिए। और अब हम इसे इस स्लीव्स को इसके ऊपर अटैच करते हैं। फ्रंट साइड में जो हमारा आर्म होल की गहराई है वो फ्रंट साइड में आएगी और बैक साइड में ये वाली आएगी। तो कट के ऊपर हमने इस तरह से जमाते हुए सिलाई लगानी है। और हमारा सेंटर अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हमने एक दो चून सामने वाली चून खोल देनी है और फिर हमने बीच के सेंटर से तक हमने इसकी स्टिच लगा देनी है। इस तरह से दो तीन चून हमारी खोल देंगे हम और हमारे आर्म होल की फिटिंग बराबर से आएगी। मैंने ब्लाउज का भी वीडियो बनाया है, ब्लाउज कटिंग, कटोरी ब्लाउज कटिंग, आप वो भी देखिए। हमने मैंने बहुत ही आसान तरीके से उसमें भी समझाया है। हमारे स्लीव्स अटैच हो चुके हैं और अब हमने घेर के नीचे की साइड से स्टिच लगानी है फिटिंग की। घेर के नीचे वाले साइड से हमने स्टिच शुरू करनी है और हिप में हमारी कमर वेस्ट में 1.5 इंच का हमने माया रखना है और इस तरह से हमने फिटिंग कर लेनी है। आर्म होल के कट के ऊपर हमारे मार्क लगाए हुए हैं, वहाँ पर से हमने इसकी फिटिंग कर लेंगे। आई बटन में आपको और भी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। अब हमने इस घेर की फोल्ड करना है, पट्टी नीचे के घेर वाली साइड पर इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए घेर को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमारी घेर की फिनिशिंग आ गई है, तैयार होकर दिख रहा है और हमारे स्लीव्स भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसा लगा आपको देखिए।